वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, द डेली डोज ऑफ बी टाउन। एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। आधी रात को सलमान खान ने की किसके साथ मीटिंग? जैकलिन फर्नांडिस आई साजिद खान के सपोर्ट में। फरहान ने एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए चार्ज किए करीब 3 करोड़ रुपए। परिणीति चोपड़ा ने खोला वजन कम करने का राज। आधी रात को सलमान खान के घर हुई एक मीटिंग। क्या था इस मीटिंग का राज? आखिर क्यों रात के अंधेरे में सलमान ने रखी ये मीटिंग और किसके साथ थी ये मीटिंग और कौन थे इस मीटिंग में शामिल? तो चलिए जूम आपको बताने जा रहा है रात के सन्नाटे में सलमान के घर हुई इस मीटिंग का राज। इन कार्स पर नजर डालिए। ये कार सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर पार्क्ड है और इन कार्स में आए लोग सलमान के साथ मीटिंग करने में बिजी हैं। सूत्रों से पता चला है कि सलमान यहाँ मीटिंग कर रहे हैं अपने लॉयर्स के साथ और इस मीटिंग में मौजूद है दबंग खान के क्लोज फ्रेंड बाबा सिद्दीकी और साजिद नाडियाडवाला भी। और ये मीटिंग है हिट एंड रन केस और चिंकारा पोचिंग केस के सिलसिले में। ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग के जरिए सलमान अपने लॉयर से दोनों ही केसेस का करंट स्टेटस जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही केसेस का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। वेल, वी होप सलमान की आपकी ये मीटिंग रंग लाए और दोनों ही केसेस में फैसला आपके हक में आए। फरहान अख्तर, ज़ूम मुंबई। साजिद खान के डिफेंस में आई जैकलिन फर्नांडिस। अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उनके बॉलीवुड डिबैकल्स के बारे में सुनकर यूं तो जैक पहले थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई। You've known Sajid for long. You've been associated with him since first part, and he was written off after two back-to-back flop films, Humshikals and okay. लेकिन बाद में जैकलिन ने साजिद को किया फुल सपोर्ट। As an actor, how do you feel when a director is written off? How do you feel about it? He should be given another chance. Everyone gets their chance. I mean, like, and everyone does get another chance. I don't think anyone actually ever gets written off. You know, it. I think only you can take that call yourself if you decide to be written off. And yeah, the industry will give you as many chances as you want, as long as you make up your mind, you know, to give it another shot. जैकलिन के मुताबिक इंडस्ट्री में जहाँ सबको दोबारा चांस दिया जाता है, ऐसे में साजिद को उनके बॉलीवुड फ्लॉप्स के लिए इतना क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। यानी साफ है, आज भी भले ही साजिद से जुड़े सवाल जैकलिन को अनकंफर्टेबल कर देते हो, लेकिन जब बात उनके सपोर्ट की आती है तो वो उन्हें करती है फुल सपोर्ट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई। फरहान अख्तर ने बढ़ाई अपनी फीस। अब फरहान भी आ खड़े हुए हैं उन एक्टर्स की लिस्ट में जिन्होंने हाल फिलहाल में बढ़ाई है अपनी फीस। आखिर किस चीज के लिए बढ़ाई है फरहान ने ये फीस और अब कितना चार्ज कर रहे हैं फरहान फीस? वेल, तो चलिए खोलते हैं गॉसिप का पिटारा और बताते हैं कि आपको फरहान की इस फी हाइक के बारे में। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि फरहान ने ये फी हाइक किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए की है। खबर है कि एक बिस्किट ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए जूनियर अख्तर ने चार्ज किए हैं पूरे 3 करोड़ रुपए। फरहान फिलहाल कई ब्रांड्स को कर रहे हैं एंडोर्स, पर किसी भी ब्रांड के लिए उन्होंने इतना चार्ज नहीं किया था। ये पहली बार है जब वो किसी ब्रांड के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। नॉट फरहान, फिल्मों में तो आपने बाजी मार ही ली है, अब लगता है ब्रांड एंडोर्समेंट वर्ल्ड में भी आप रॉक करने वाले हैं। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई। किस बारे में बात कर रही है चित्रांगदा सिंह? किस बात से है अनजान चित्रांगदा? दरअसल कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि सुधीर मिश्रा की फिल्म पहले आप जनाब में चित्रांगदा को रिप्लेस कर दिया है कंगना रनौत ने और कंगना की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के साथ ये रूमर सच भी हो सकता है। तो हमने पूछा चित्रांगदा से कि क्या उनको रिप्लेस कर दिया है कंगना ने इन दिस अपकमिंग अनिल कपूर एंड इरफान खान स्टारर। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, आई हैवंट रेड दिस। सो बट हाँ, आई थिंक सुधीर मिश्रा विल मेक दैट फिल्म एंड आई होप ही डज। एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, इट शुड बी मेड, यू नो, एंड he worked very hard on it, very long on it, so I hope it gets made. You're not doing it, right? I have no idea about when it's getting हम आपको बता दें कि पहले आप जनाब कई सालों से अटकी हुई है और पहले इस फिल्म का नाम था मेहरूनिसा, जिसमें चित्रांगदा के साथ स्टार करने वाले थे ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन। लेकिन अब खबर ये है कि इस फिल्म में दिखेंगे कंगना शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद अनिल कपूर एंड इरफान खान। चित्रांगदा भले ही अनजान बन रही हो, लेकिन खबरें सुन के तो यही लग रहा है कि इस फिल्म से उनका पत्ता कट हो चुका है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। जैकलिन फर्नांडिस हो गई है टाइगर श्रॉफ से काफी इम्प्रेस, इतनी इम्प्रेस कि आजकल वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रही हैं। वेल आपको बता दें टाइगर और जैकलिन साथ नजर आने वाले हैं फिल्म फ्लाइंग जट में। For me, like superhero movies and fantasy films are something that I've always loved. So doing this has been fun. It's like a complete makeover as well for me. And working with Tiger is very inspiring because he's, I mean, we all know Tiger's work ethics. यहाँ जैकलिन ने टाइगर के फ्लाइंग जट लुक को ऋतिक के क्रिश लुक से कंपेयर किया जाने पर भी कुछ क्यों रिएक्ट किया। First of all, I don't think it's such a bad thing. I mean, like people thought that they were actually being smart by doing that, but I actually think it's a great thing. I mean, you know, Krrish was such an iconic character, and now if we have Tiger, who is somewhat compared to that, I think why not? You know, I mean, it's time now that we're looking at another superhero. Well, Jacqueline की बातों से तो यही लग रहा है that she's really enjoying working for Flying Jatt. We wish her and Tiger all the best for the film. For Prerna Shrivastava, Zoom, Mumbai. परिणीति चोपड़ा को नहीं मिला सलमान के साथ काम करने का मौका फिल्म सुल्तान में। नहीं नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा इस फिल्म में। जी हाँ, पिछले कई समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि परिणीति सलमान के साथ फिल्म सुल्तान में आ सकती है नजर, लेकिन परिणीति ने इस रूमर को किया ज़ूम पर क्लियर। This film, that film, this film, yeah. That's the problem actually because I have not announced my film this year, so every film that is not cast is expected that it's me, but that's not true. I really want everybody to wait for me to announce. I think that would be respectful because you know these speculations are getting a little tiring, so I just hope that everybody waits for me to announce. वैसे हाँ, परिणीति ने अपना एक बड़ा सीक्रेट भी किया रिवील और वो सीक्रेट था उनके वेट लॉस का। मुझे almost 7-8 months लग गए to I really worked hard and I took care of my diet and everything. बहुत मेहनत लगी है, trust me. But I'm glad. I'm still only 50% of where I want to be. So hopefully in some more time I'll look better. परिणीति का ये stunning weight loss क्या किसी particular film या role के लिए है? No, not at all. I mean, whatever my next film will be, I hope I look really fit in it. But it wasn't for a particular role. It was I did a lot of martial arts, which really worked for me. And I took care of what I was eating. Well, परिणीति आपका ये weight loss आपके बॉलीवुड करियर में क्या कमाल दिखाता है, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। जहाँ बी टाउन में है मस्कुलर एंड फिट स्टार्स, वहीं दूसरी तरफ है कुछ छोटे उस्ताद जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है फिटनेस के मामले में। हम बात कर रहे हैं दर्शील सफारी और अवनीत कौर की, जो कि वैसे तो है छोटी सी स्टार्स, लेकिन उनका फिटनेस मंत्रा इज ऑल सेट टू रीच द हेल्दीएस्ट बेस्ट। हमने स्पॉट किया दर्शील, अवनीत और हर्षाली मल्होत्रा को एट अ जूनियर मैराथन इवेंट इन मुंबई, जहां ये आए थे टू सपोर्ट अ कॉज एंड एनकरेज यंगस्टर्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। यहाँ उन्होंने शेयर की कुछ फिटनेस टिप्स फॉर द ग्रोइंग जनरेशन और शेयर किया अपना सीक्रेट टू स्टेइंग हेल्दी। हमारे कॉलेज में देयर आर लॉट ऑफ फिटनेस प्रोग्राम्स, देन वी हैव मॉर्निंग में मैं मेरे वॉक के लिए जाता हूँ, जिम करता हूँ कभी कभी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्विमिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स। बेसिकली जब भी टाइम मिलता है दैट टाइम आई गो टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, व्हिच आई लव, सो आई एम श्योर दैट कीप्स मी हेल्दी एंड नॉट एज लेजी। आई डू डांसिंग एंड आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन अ लॉट, आई लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले विद माय ब्रदर एंड फ्रेंड्स, एंड आई ईट हेल्दी एंड आई एक्सरसाइज डेली, सो दैट कीप्स मी फिट। Well, we hope the young kids follow the suit and get inspired to keep the fitness quotient high. For Prerna Shrivastava, Zoom, Mumbai.